Uttarakhand is a place of belief, a place of faith, abode of the gods, a place called DevBhoomi. Where there is God, there is knowledge. Where there is knowledge, there is wisdom. I am Parv, and this is how I wander Uttarakhand. Apart from its scenic beauty and splendor, Uttarakhand is a place which is replete with stories of mythology and tales from a time gone by. I had no idea I would explore more than I asked for. My destination was Marchula, a small village nestled in the edges of Jim Corbett National Park, where I met my host, Mr. Ajit Negi, who helped me know more about the place and its stories. Marchula and its surrounding valleys surprised me with unexpected adventure which involved local folklore. Mr. Negi encouraged me to explore Manila, a village nearby in the Garhwal region of Uttarakhand. There are two temples on a hill, one at the top, Malli, and one at the bottom, Talli. That's what top and bottom translates in the local language too. We wasted no time and headed towards Manila. मंदिर सर बहुत पौराणिक मंदिर है और काफ़ी समय पहले से इसके बारे में लोगों के इस क्षेत्र की पूरी श्रद्धा है। पहले यहाँ पर छोटा मंदिर था और उसमें एक अष्टधातु की मूर्ति थी और उसके बारे में जो यहाँ पर किंवदंतियाँ हैं समाज में उसके अनुसार एक बार एक चोर जो है उस अष्टधातु की मूर्ति को उठा करके ले जाने की सोच रहा था और ले गया यहाँ से उठा करके और यहाँ से 4 किलोमीटर जब रामनगर की ओर को बढ़ा तो यहाँ से एक आगे जा करके 4 किलोमीटर आगे जा करके उसने मूर्ति थोड़ा नीचे रखी और विश्राम करने की सोची तो वो जो है फिर मूर्ति उससे वहाँ पर नहीं उठी तो इसके बाद वहाँ पर भी जो है एक मंदिर की स्थापना की गई भव्य मंदिर की स्थापना की गई है तो इस तरह से इस क्षेत्र में ये दोनों मंदिर मानिला मंदिर के नाम से जाने जाते हैं We got to know from the locals at Talli that apart from the temple at Malli, there is also a Sanskrit Vidyalaya at the same place on the hilltop. Curious, I ascended towards Malli as the roads ended and a 0.5 kilometer climb took me to my destination. I was told to talk to the Acharya, the headmaster of the Gurukul, who shed some light about the Vidyalaya and its pupils and folklore behind the temple at Malli. This mandir jo hai yahan par daksh prajapati ka jo yagya hua Haridwar mein Kankan mein to usme उनकी लड़की जो शक्ति यानी पार्वती माता जो थी उनको आमंत्रित नहीं किया गया तो बगैर आमंत्रण के सदाशिव भगवान से आज्ञा लेकर वो वहाँ आ गई यज्ञ में तो यज्ञ में आई तो उसका बड़ा वहाँ तिरस्कार हुआ कोई स्वागत नहीं हुआ तिरस्कार हुआ और उसने देखा सदाशिव भगवान का कोई आसन यज्ञ में नहीं है तो उसने उसको बड़ा अपमान मान करके वो यज्ञ का जो कुंड है तो यज्ञ नल जहाँ अग्नि दग्ध हो रही थी
तो उसने अपने को ही उसमें दग्ध कर दिया। तो जब वो जल गई, शक्ति जल गई, तो सदाशिव भगवान के पास जब सूचना पहुंची, तो सदाशिव भगवान आकर के उसको कंधे में रख करके जली हुई शक्ति को और तांडव करने लगे। तो उस तांडव से असमय में ही प्रलय हो जाएगा, ये मान करके विष्णु भगवान ने सुदर्शन से उनके अंग प्रत्यंग काट काट करके फेंक दिए, इधर उधर सब छिटके। तो कोई अंग कहाँ पड़ा, कोई कहाँ पड़ा, कोई कहाँ पड़ा। तो यहाँ पर हाथ है, वो यहाँ पड़ा है शिव जी का। हाँ, तो इसलिए ये कर देवी इनको कहा जाता है। और जो भी यहाँ पर आता है मनोकामना, जो भी अपने भाव लेकर के, तो उसकी भावना को पूर्ण करते हैं और उसका दारिद्र्य जो है उसका हरण कर देते। यहाँ पर कोई दरिद्र आए और वो माँ के पास जब दर्शन कर लेता है, उसके बाद उसकी दरिद्रता खत्म हो जाती है, वो यानी अयाची बन जाता है, यानी अच्छा खाने पीने वाला, बढ़िया उसको रुपया पैसा सब ये देती है। तो इसलिए इनको कर देवी कहते हैं, सबका कर चुका देती, सबको ग्रहण कर देती। तो इससे यहाँ इनका जो है पूजन होता है और लोग आते हैं अपना मनोकामना लेकर के और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यही यहाँ का है। और ये मंदिर जो है वो वहाँ लिखा हुआ है बाहर, वो आपको दिखाई देगा वहाँ, तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे वो। ये और कितना पुराना है ये वाला मंदिर? हाँ, करीब 800 साल पुराना है ये। तो ये तो मल्ली माता का मंदिर कहते हैं इसको। हाँ, मल्ली माता। और एक तली माता। हाँ, वो तली माला में वो लोग ये कहते हैं कि वहाँ जो विग्रह है, जो वहाँ माँ की मूर्ति है, तो कोई चोर आए कहते हैं कि उसका हाथ काट दिया उन्होंने, और हाथ काट करके वो यहाँ लाए तो उठा नहीं, ऐसा यहाँ की लोकोक्ति ये है। तो उसको कहते हैं ये मुख्य उसका हाथ काट के यहाँ आया, पर ऐसा संभव नहीं है, माँ भगवती का हाथ कोई नहीं काट सकता है। तो ये जो दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ हुआ, तो उसमें और यहाँ प्रमाण भी मिलता है उसका, जो शक्तिपीठ है तो उसमें दो जल स्रोत होंगे बराबर। अच्छा। और उनका मंदिर होगा अभी है वो। हाँ, मंदिर तो ये जो मुख है वो उनका, जहाँ वो आसीन कर रखा है उनको, वो है। और उनके दो स्थल, यहाँ भी एक जल स्रोत है इधर, और उतने ही दूरी पर दूसरा जल स्रोत है सड़क के नीचे। तो वो उनके स्थल माने जाते हैं, जहाँ से मनीला की सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। हाँ, मंदिर की जहाँ पर गेट बना है, नीचे एक छोटा सा एक देखा था गेट है। हाँ, तो उसके नीचे नौला है। हाँ, वो बावड़ी में पानी है, उसमें पानी है। हाँ, और ऐसे ही यहाँ भी बावड़ी है। अच्छा, उसमें भी पानी है वो। अच्छा, वो और ये एक जैसे। हाँ, मतलब कितना पुराना है वो, इसलिए शक्ति, तो शक्ति पीठ के लक्षण यही है, इतनी दूरी पर और इतनी दूरी पर। तो बाकी साल का वहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, वो बाहर आप देखेंगे कितना पुराना है करके, आपको लिखा हुआ है। मुझे बावड़ी है वो भी उतनी पुरानी है, वो नीचे वाली वाली। हाँ। आचार्य जी इनवाइटेड मी टू हैव लंच विद द स्टूडेंट्स एंड कॉन्वर्स विद देम। और उधर को मतलब रात को अंधेरे में, मतलब इधर को भाग जाना कभी, भाग जाना कभी, अजीब अंधेरे में जंगल में, इधर को कोई बुला रहा है सारे। कितने बच्चों ने भी कर लिया है? बच्चों के साथ भी हुआ है। बच्चों के साथ भी, अभी एक बच्चा था उसको जितेंद्र रतुड़ी है उसका नाम, उसके अंदर मतलब अजीब वो गरीब दांत कितने हाथ में, जैसे हाथ हाथ इतने टाइट कि आप हाथ को
हिलाने का होगा वो करने का। अच्छा जी, हाथ पांव इतने टाइट थे। फिर कैसे सही हुआ वो? बहुत ही लगा, थोड़ा बहुत ही माता का कुछ किसी का वो लाके तो टीका लगा, आप शांत हो गए, आप सही हो गए। अभी जंगलों में कोई गया, लकड़ी ने गिर गया कहीं का, अच्छा कहीं रो गया जंगल में, ताजा कर तो लग जाता। अच्छा, ये संवत जो है 1246 1246 में यह बना है, मतलब अभी चल रहा हो कम से कम 1976 चल रहा है, तो अभी इसका हिसाब लगा लो 1246 में जब था, कम से कम इसे ये मंदिर से पुराना है, अभी तक है सबसे पुराना है, मतलब ये मंदिर जब बना था उससे पहले ये था, ये और एक समाधि वगैरह महाराज जी की, ये पुराना है, सबसे पौराणिक है मंदिर। I was awestruck by the knowledge, the maturity and the curriculum these students were subject to. क्योंकि शहरों में कोई टीचर ऐसे देखते नहीं, कोई गौर नहीं करता करके क्या बच्चा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन उसको पढ़ाई यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ सब चीज़ सिखाया जाता है, सब के लिए वो सब था, मतलब यहाँ जैसे शहरों में कहेंगे जो कम क्लास में है तो उसे पढ़ाएंगे, जो अपना खेल कर रहा है उसे कुछ नहीं, यहाँ ऐसा कुछ सबको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है तो पढ़ो, कोई भी समय खाली नहीं रहता हमारा, मतलब हर चीज़ का टाइम है, हर चीज़ का टाइम के अनुकूल चलेगा, वही रहेगा, वही रहेगा। आज का दिना तू होली घर पना, हो याद आली तकनी मेरी बिना, हो याद आली तकनी मेरी बिना, आज का दिना तू होली घर पना, आज का दिना तू होली घर पना, ओ याद आली तकनी मेरी बिना, ओ याद आली तकनी मेरी बिना।